अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सोहेल इलेक्ट्रिशियन। आपने कॉल की थी शायद मुझे। जी जी जी, मैंने ही कॉल की थी। आइए अंदर आइए अंदर। चलिए। अच्छा जी, कहाँ खराबी वायरिंग में? कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। किस जगह पे हुआ? पता नहीं, कोई भी बटन चलाओ तो चिंगारियां निकलती हैं। चले मैं देख लेता हूँ अभी। मैंने तो मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। चले अभी मैं देखता हूँ। वैसे मेन स्विच ऑफ ही है ना? हाँ हाँ भाई, जब ही तो अंधेरा है। चले मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप चेक करें, मैं आपके लिए पानी लेकर। या अल्लाह, ये तो मर गया। हेलो हेलो पुलिस। एक इलेक्ट्रीशियन को घर बुलाया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वो नौजवान घर जाता है और करंट लगने से हलाक हो जाता है। क्या वाकई ये एक हादसा था? पुलिस जाए वकुआ पे पहुंच जाती है। इब्तदाई मालूमात से यही फराम होता है कि ये एक इत्तफाकी हादसा है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अबे ये सब कैसे हुआ? पता नहीं साहब, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, मैं अंदर गया हूं तो एकदम चीखने की आवाज आई। फिर जब मैं भागता हुआ आया तो ये जमीन पे गिरा हुआ था। आप इसे फौरन अस्पताल क्यों ले गए? अस्पताल में इसको ले जाता साहब, लेकिन इससे पहले ये मर चुका था। हाँ मुदसर। सर ऐसा लगता है कि इसके हाथ और जिस्म पे बिजली की तारें लिपटी हुई थी। आसिफ। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाओ। ओके सर। और हाँ, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब। सर ये मोबाइल मिला है इसके पास से। और हाँ, इनका भी मोबाइल नंबर नोट कर लो। ओके सर। सोहेल अब तक घर नहीं आया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अम्मा आपका फोन आ रहा है बहुत देर से। हेलो। ठीक तो है ना? मम्मा बताएं तो।
इधर इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनके सुहेल की माँ पर बिजली गिर जाती तो दूसरी जाने फरजाना पे सख्ता तारी हो जाता। फरजाना जो सुहेल की मोहब्बत, उसे सुहेल की इस तरह की मौत पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उधर अहमद पुलिस स्टेशन में बैठ के अपने दोस्त के साथ गुजारे हुए लम्हों की यादें ताजा कर रहा था, तो इधर फरजाना उन लम्हों को याद कर करके रो रही थी जो उन्होंने साथ गुजारने का फैसला किया था। अच्छा ये बताओ, सुहेल को कब से जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, सुहेल मेरा बचपन का दोस्त था। उसके बारे में कोई खास बात जानते हो? खास बात मैं समझा नहीं सर। मेरा मतलब है उसका कैरेक्टर वगैरह। सर वो बहुत अच्छे किरदार का मालिक था। हाँ इतना जरूर था कि वो फरजाना से बहुत प्यार करता था। आई सी। अच्छा क्या वो बाइक तुमसे पहली दफा ले गया था? नहीं सर, अक्सर वो मुझसे बाइक लेकर जाता था, बल्कि कल भी तो वो मुझसे बाइक लेकर गया था। भाई सुहेल क्या बात है, इतनी रात में क्यों बुलाया मुझे? अरे यार मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए थी। अबे कहाँ जा रहा है इतनी रात में? क्या फरजाना भाभी के साथ जा रहा है क्या? यार एक कस्टमर के घर जाना है और अर्जेंट काम है। अबे तेरे ये अर्जेंट काम भी ना वक्त देखते ना मौका। अबे चार पैसे जेब में आ जाएंगे, भूरे हैं क्या? अच्छा तो मेरा भाई आजकल बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। अबे यार देर हो रही है, चाबी दे रहे या नहीं? अच्छा चल ना, नाराज ना हो, ये ले चाबी। अच्छा सुन यार, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ठीक है? चल ठीक है, अगर देर हो जाए ना तो बाइक घर पे छोड़ दियो, ठीक है? चल ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। ये फरजाना कौन है? सर फरजाना अदनान ठेकेदार की बेटी है सर। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? जी सर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। आसिफ कागजी कार्रवाई करने के बाद बाइक इनके हवाले कर दो। ओके सर, चले अहमद साहब। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इंतजार करूं तुम्हारा, इतनी देर कर दी तुमने। क्या करूं, बड़ी मुश्किलों से बाबा जान से बहाना बना कर आई हूं। इसका मतलब है कि अब हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सुहेल, जब से बाबा जान को हमारी मोहब्बत का पता चला है, उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि अब हमारा मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। मिलना जुलना अगर बंद हो गया तो ये है ना, मगर ये हमारे मसले का हल नहीं है ना। तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो अब करना यह है कि अगर तुम्हें मुझे खोना है तो अपने बाप की बात मान लो, और अगर मुझे पाना है तो फिर तुम्हें अपने बाप को खोना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खानदानी रवायात को तोड़कर तुम हमेशा के लिए पास आ जाओ। मेरा बाप बहुत जल्लाद किस्म का आदमी है, हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मौत से डर लगता है या अपने बाप से बहुत प्यार है? मेरी जान, मेरी जिंदगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरा प्यार हो। तो फिर मेरी जान तुम ये भी जानती होगी कि प्यार करने वाले कभी किसी से नहीं डरते। ना तो मैं डरपोक हूँ और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। बोलो क्या करना है? करना यह है कि तुम अपना बोरिया बिस्सा लपेटो और मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन इस शहर में मेरे बाप की मौजूदगी किसी खतरे से कम नहीं होगी। हम ये शहर ही छोड़ देंगे और फिर तुम्हारा बाप तो क्या, तुम्हारे बाप का बाप हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैं जैसे ही मौका मिलेगा कल रात तुम्हें फोन कर बता दूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। चलो बैठते हैं। Thank you.
कहाँ जा रही हो? वो कहीं नहीं। अच्छा तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। पापा मैं सुहेल के बगैर नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। अपने बाप के बगैर रह सकती है जब भी घर छोड़ के जा रही है? बाबा मुझे जाने दें, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आज तू इतनी मुझसे हो गई है, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था? बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। लगता है लैला के मजनू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा अगर आपने सुहेल को कुछ कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दे दे जान, जाएगा के मर, चल कमरे में चल। तो आप खुश होंगे ना अब्बा? ये सच है बेटा कि सुहेल मुझे नापसंद है, लेकिन उसके हादसा की मौत पर मुझे भी दुख है। जब तक वो जिंदा रहा आपकी आंखों में खटकता ही रहा ना, अब किस बात का अफसोस कर रहे हैं? बेटा शायद कुदरत ने तुम्हें बेवा होने से बचा लिया। काश काश खुदा सुहेल की जगह मेरी जान ले लेता। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। क्या फायदा है इसी जिंदगी का, मेरा सुहेल तो अपनी जान से चला गया ना। मरने वाले के साथ मजा नहीं करते, तुम क्यों अपना जी हलकान कर रही हो? मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय सुहेल की यादों के। मुझे आप जाएं, जाएं आप यहाँ से, मुझे छोड़ दें। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए वासिफ? यस सर, ये रही। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मौत करंट लगने से ही हुई है। अब क्या करना है सर इस केस का? सर इस तरह की कैजुअलिटीज तो आए दिन होती रहती हैं। तुम्हारा ख्याल है केस बंद कर दें? बिल्कुल, मेरा ख्याल से जाय बकवा को एक बार फिर मुआयना कर लो और इस केस का असर ना जायजा लेना होगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। आसिफ तुम मुदस्सर के साथ चले जाओ। ओके सर। सोहेल के घर और पड़ोसियों से भी मालूमात ले लो और आते वक्त अहमद से भी जरूर मिल लेना। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की असल वजह पता चल चुकी थी। इससे पहले पुलिस इस मौत को इत्तफाकी हादसा करार देती, इस केस का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया गया। जाय वकूआ पे दोबारा जाया जाता है, बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखा जाता है, लोगों से पूछ गछ का सिलसिला शुरू होता है। अभी पूछ गछ का सिलसिला जारी ही होता है कि पुलिस को एक ऐसा मंजर दिखता है जिस मंजर को देख के पूरी तफ्तीश का रुख बदल जाता है। वो मंजर क्या है आइए देखते। अम्मा फरजाना के बारे में कुछ बताया था सोहेल ने आपको? हाँ, सोहेल बहुत मोहब्बत करता था फरजाना से, लेकिन एक दिन सोहेल फरजाना को बनवाने में लाया था मुझसे। कौन है? अरे भाई आ रही हूँ। वालेकुम सलाम। ये कौन है बेटा? अम्मा ये फरजाना है, आपकी होने वाली बहू। वालेकुम सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। आओ आओ बैठो। अम्मा कैसी लगी आपको बहू? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला इसको नजरबद से बचाए। फरजाना ये मेरी माँ है और मेरा सब कुछ है ये। फरजाना सोहेल तुम्हारी बहुत तारीफ करता है बेटा, तुम कभी अपने बाबा जान को लेकर आओ ना। अम्मा इसके बाबा का ही तो मसला है, वो राजी नहीं है इस रिश्ते से। तो बेटा मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे बात करती हूँ। औलाद की खातिर माँ बाप को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आंटी मैं समझती हूँ कि आपका आना ठीक नहीं होगा, बाबा कभी भी किसी की एक मिनट में बेइज्जती कर देते हैं। तो फिर बेटा ये रिश्ता कैसे होगा? मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर वो ना माने तो? अम्मा अगर वो ना माने तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। दरअसल अम्मा हम आपके बेटे के केस की दोबारा तफ्तीश कर रहे थे। चलो आसिफ अनवर के घर चलते हैं। चले। अच्छा अम्मा अब हम चलते हैं। अरे सर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तुम्हारे दोस्त के केस पे काम कर रहे हैं। पर उसकी मौत तो करंट लगने से हुई थी ना? हाँ लेकिन पुलिस अपने शक के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो फिर क्या आपको किसी पर शक है? शक को दूर करने के लिए ही तो केस को दोबारा तफ्तीश कर रहे हैं। आसिफ जी अनवर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो अक्सर अदनान साहब के यहाँ मिलने आया करते थे। आप इन्हें जानते हैं? सर नाम से तो नहीं पर अक्सर अदनान साहब के आते आते देखा है। ये अदनान साहब वही है ना जिनकी बेटी से सोहेल मोहब्बत करता था? जी बिल्कुल। आसिफ। हाँ। कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ आ रहा है। ओके अहमद अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके सर। अब केस क्लियर है, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा। सर हम जिसे हादसाती मौत समझ रहे थे वो हादसाती मौत नहीं है। क्या मतलब?
मतलब ये सर अनवर और अदनान दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो सर सोहेल को फोन करने से पहले अनवर ने अदनान को कॉल की थी। सर ये अदनान वही है जिसकी बेटी फरजाना से सोहेल मोहब्बत करता था। आई सी। सर हमें शक है अनवर और अदनान ने सोहेल को मिलकर मारा है। और सर उसकी मौत को हादसाती रंग देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सर हमें फौरन अनवर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देर किस बात की है, फौरन जाओ रेड करके लेकर आओ उसे। ओके सर। बताओ साहब को सोहेल को क्यों मारा था? साहब आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते साहब? मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने सोहेल को नहीं मारा साहब, मैंने सोहेल को नहीं मारा साहब। ठीक है आप चेक करें, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे क्या हुआ? जब ब्रेकर ऑफ हो गया था तो से कौन किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं मालूम किसने किया साहब। अच्छा तो फिर ये बताओ सोहेल को कॉल करने से पहले अदनान को कॉल क्यों की थी? अदनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ मैं घबरा गया, मैंने कहा उसको फोन करके उससे मशवरा ले लूं। हेलो हेलो। हाँ अदनान यार, घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाँ मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा, सोहेल को आसानी से हटाया जा सकता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तुम्हारे पास वो सोहेल का नंबर होगा ना? उसने तुम्हें सोहेल को ही बुलाने के लिए क्यों कहा? मैं सोहेल को जानता था साहब, उसका मेरे पास विजिटिंग कार्ड था साहब। सर। यस सर। मेरे ख्याल से असल मुजरिम अनवर नहीं है। इसका मतलब है सर असल मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करना होगा। सही समझे, हमें अदनान को गिरफ्तार करना होगा। इनका क्या करें सर, लॉकअप कर दूं? नहीं नहीं, इन्हें भी अपने साथ ले चलो। बेटा कब तक तू उसका गम अपने दिल से लगा के रखेगी? भूल जाओ उसे। मैं क्या करूं बाबा, मैं जितना उसे भुलाने की कोशिश करती हूं वो उतना ही मुझे याद आता है। अब मुझे भी अपने रवैयों पर शर्मिंदगी होती है। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा? काश उस वक्त आपने मेरी बात मान ली होती। हाँ बेटी, मैं तेरा मुजरिम हूँ, तुझे अपनी पसंद पे पूरा हक था, मैंने जबरदस्ती तेरी पसंद पे अपनी मर्जी मुसल्लत की, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा असल मुजरिम हूँ। सही कहा तुमने, तुम ही असल मुजरिम हो अपनी बेटी के इस हाल के और सोहेल के कत्ल के। अपनी बेटी को हकीकत आप खुद बताएंगे या फिर हम बताएं? क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप लोग? बोले मत बनो, सोहेल को क्यों भिजवाया था अनवर के घर? अब झूठ बोलकर सच्चाई छुपाओगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, सोहेल को मैंने ही मारा, मैं ही असल मुजरिम हूँ, अपनी बेटी का और सोहेल का। बाबा हाँ, आपने मारा है सोहेल को, क्यों? बेटी।
हाँ बेटा, मैंने ही सोहेल को करंट लगा के हलाक किया है। जब अनवर का फोन आया, हेलो हेलो, हाँ नान, यार घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाँ, मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। सोहेल को आसानी से हटाया जा सकता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तुम्हारे पास वो सोहेल का नंबर होगा ना, उसको बुला लो, वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। मैं अनवर के घर पहुंच गया। मैंने देखा कि सोहेल काम कर रहा है। सोहेल ने बिजली की तारों को छीला हुआ था और वो नंगी तारें उसके हाथ पर लिपटी हुई थी। मैं फौरन ब्रेकर की तरफ गया। मैंने फौरन ब्रेकर ऑन कर दिया। मुझे शैतान ने बहका दिया था। मैं अपनी बेटी की शादी सोहेल से नहीं करना चाहता। ये आपने क्या किया बाबा? ये आपने क्या किया बाबा? अदनान, ये तूने क्या किया यार? तू इतना जालिम निकलेगा? यकीन नहीं हो रहा यार मुझे। हाँ यार, मैं ही अपनी बेटी का मुजरिम। अदनान, अब तू अपनी बेटी को किसके सहारे छोड़ के जाएगा? काश ये मैंने पहले सोचा होता। ना खून किसी का भी रहेगा नहीं जाता। अदनान साहब, अदनान, तूने अपनी बेटी और उसकी माँ को बेसहारा कर दिया। तुझे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तू ठीक कहता है इंस्पेक्टर साहब, मुझे फांसी की सजा दे दे। सजा देना अदालत का काम है अदनान साहब। बाबा आसिफ। यस सर। अरेस्ट हिम।